नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिराज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दुबई वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा UAE में विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही छोटी मोटी अपडेट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप 1 मंथ के या 3 मंथ के विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं और आपको जॉब के पर्पज़ से यहाँ पर आते हैं, आप 1 मंथ के या 3 मंथ के विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं, सपोज़ डैट आप यहाँ पर जब आपको जॉब मिल जाती है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपकी और आपकी एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप इंटरव्यू के दौरान आप क्लियर करते हैं, आपकी क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या आपकी जो सैलरी होगी, सारी आप अपने अपने एम्प्लॉयर के बीच में डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट आपको देता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपकी नाम होता है, आपकी मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप किस कंट्रीज हैं, आपके फादर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सारी डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट में होती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी कितनी, आपकी लीव सैलरी कितनी, आपको कितनी मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, आपको सारी डिटेल उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है। तब आपको जब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये साइन करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्री हो जाते हैं उसमें आपकी साइन होती है, आपके एम्प्लॉयर की साइन होती है, आपके एम्प्लॉयर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसकी कुछ फॉर्मेलिटी होती है जिसमें आप भी साइन करते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है, तो दोनों के बीच में आपसे समझौता हो जाता है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी जो पासपोर्ट कॉपी होती है, वो आपका एम्प्लॉयमेंट आपसे ले के यहाँ के लेबर मिनिस्ट्री में जाकर एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर देता है। उसके बाद आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आपका मेडिकल होता है, आप मेडिकल में पास होना बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोग होते हैं जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो उनको यहाँ से रिपोर्ट करना पड़ता है, उनको कंट्री लीव करना होता है का। तो आप लोग का मेडिकल होम में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, तो उनके में मेडिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका ये सारी चीज़ों से आपसे गुजरना पड़ेगा, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी इमरज आईडी होगी, इमरज आईडी, ये सब क्लियर होने के बाद आपने आपका जो 2 या 3 से या 4 दिन के अंदर ही अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ जाता है, जिसमें आपका कन्फर्म हो जाते हैं कि आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट कहलाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसका जितना भी खर्चा होता है ये आपका एम्प्लॉयर करता है, आपका कोई भी खर्चा इसमें नहीं होता है। जब कंपनी आपको बाय करती है, जब आपको हायर करती है, तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनियां करती हैं। ये कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो सारा खर्चा खुद उठाती हैं, बट कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो आपको बोल देती हैं कि वीज़े का पैसा मैं दे रहा हूँ, बाकी जो मेडिकल होगा, जो आपकी एमरस आईडी होगी यहाँ की, वो आप खुद करिएगा। और बहुत सी कंपनियां ऐसी भी होती हैं कि जो आपसे वीज़े का पैसा, आपका इंश्योरेंस का पैसा, आपका मेडिकल का पैसा, आपका एमरस आईडी, सारा पैसा आपसे लेती हैं। स्मॉल कैटेगरी की जितनी भी होती हैं कंपनी, ज़्यादातर ये सब ऐसा करती हैं, आप ही का मेडिकल होता है, आप ही का वीज़ा होता है, तो सारा पैसा आप लोगों से ये कंपनियां लेती हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी में अपना इंटरव्यू दे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं, उसी टाइम आप अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस कर सकते हैं कि इसका जितना भी मेडिकल का खर्चा जो होगा, वीज़े का जितना भी खर्चा होगा, ये कौन उठाएगा, ये आप उठाएंगे या कंपनी उठाएगी, आप उसी टाइम अपनी कंपनी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत से लोग आप कॉन्ट्रैक्ट में उसी टाइम तो साइन कर देते हैं, बहुतों लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो सीधा आपके एम्प्लॉयर ने दिया, लो भैया ये कर दो, और उसने साइन उठा के कर दिया। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा मोस्टली लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं, जिनको इंग्लिश आती हो तो वो अपना उठाते हैं, साइन कर देते हैं, बट बाद में जब वो होता है मेडिकल होता है, तब उनको पता चलता है कि इसका जितना भी खर्चा होगा आप उठाएंगे। तो जब आप इंटरव्यू दें, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करें, तो आप अपनी कंपनी से ये चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसकी जो वीज़े की जो जितना भी खर्चा होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उसके हिसाब से अपना क्लियर कर सकते हैं। बट बहुत सी कंपनियां होती हैं जो क्लियर कर देती हैंगी, अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है बहुत सी कंपनी, जैसे मैंने बताया, बट ये लीगल तो नहीं है, बट ऐसा होता है और लोग एक्सेप्ट करते हैं। आपको भी एक्सेप्ट करना का इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये ना लीगल है ना इलीगल है, ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये आपकी च्वाइस है, आपको किस तरीके से चूज़ करना है अपनी कंपनी में जब आप
कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो उसके बाद आपका जब मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपकी मेडिकल, आपकी एमरस आईडी आ जाती है आपके पास और आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रेसिडेंट वीज़ा में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसे छोटी मोटी अपडेट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।